हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, तो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं सर, अगर हम आधे पेपर को 4x6 का अगर हम प्रिंट देना चाहते हैं वो किस तरह से निकालेंगे, और दूसरा अगर जो पीछे ये दिया हुआ है ये यूज कब करते हैं, ये इस तरह ये कैसे यूज किया जाता है। तो आज आपको मैं दोस्तों इसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हमें अगर 4x6 का अगर हमें पेपर इसमें देना है 4x6 का, तो वो कैसे फोटो प्रिंट करते हैं। तो आज मैं आपको दोस्तों एक कार्ड अपना मैं स्कॉच मैंने ये A4 साइज का दो पेपर कर लिया है। आज मैं आपको इस पेपर को रख कर दिखाऊंगा कि इस पेपर को आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों, आपकी ये ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें सबसे पहले हम अपना जो है ये पेपर निकाल लेते हैं यहाँ से। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें एक यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4x6। इसका मतलब ये है कि आपको 4x6 का जो आपको पेपर देना है वो इसके अंदर अंदर रखना है। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं सपोज करो मेरे पास जो पेपर है ये जो मेरे पास पेपर है ये 4x6 का है, और मुझे ये किस तरह से रखना है, तो मुझे ये ऐसे रखना है कि आपका जो ये पेपर है, ये पेपर जो आपका है वो आपका इसके अंदर आना चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर आने के बाद अगर आप बोलते कि ये जैसे यहाँ से वो पूरा यहाँ तक मिला हुआ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक ये मिला होना चाहिए, और इसके बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये आपका जो है 4x6 का इसने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से 4x6। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ और धीरे से मैं इसको जो है यहाँ पर फिर लगाता हूँ, और मैं इस पर कोई चीज़ प्रिंट करता हूँ। सपोज मैं अपना एक आईडी ले लेता हूँ, ये मैंने एक आईडी ले लिया और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये मेरा आईडी है, कोई एक कार्ड ले लिया मैंने, यहाँ पे रखता हूँ, और अब मैं प्रेस करता हूँ ब्लैक बटन। अब या तो आप ब्लैक से प्रिंट, यहाँ से मैं फोटोकॉपी करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी आप उसको प्रिंट दे सकते हैं, कंप्यूटर से भी प्रिंट दे सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ये प्रेस किया ब्लैक वाला 2 सेकंड के लिए, ये हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा ये कार्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा दोस्तों आ चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट होकर आ गया। तो ये आपका दोस्तों 4x6 का प्रिंटिंग है। अब कुछ लोगों का कमेंट्स है कि सर ये पीछे वाला जो ये है ये किस तरह से प्रिंट होता है, ये पीछे जो दिया हुआ है ये कैसे प्रिंट होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे किया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर रख दिया है मैंने इसको, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखो दोस्तों आपकी जो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है वो यहाँ इधर से स्कैनिंग करता है, तो आपका जो प्रिंट आएगा वो यहाँ से प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट स्टार्ट देगा। तो आपको पेपर जो रखना है वो इस तरह से रखना है, यहाँ से आप ऐसे रखेंगे, यहाँ से आप ऐसे पेपर रखा ये यहाँ से, और आपको ये जो देखा है आप इसे साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर देने के बाद आपको पेपर पूरा ये देखना है कि बिल्कुल अंदर जाके ये रुक जाना चाहिए। जी हाँ, जैसे आप देखते हैं, जैसे ही इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि जैसे आप इसमें पेपर देंगे तो ये मशीन आप इस पेपर को पकड़ लेती है कि आपका पेपर सही तरह से सेट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम फिर प्रिंट देते हैं 2 सेकंड के लिए, और अब हम देखते हैं, देखो पेपर हमारा दोस्तों अंदर जा रहा है, अब ये अपने आप ही जो है प्रिंटिंग लेगा। थोड़ा सा आपको पुश करना है, थोड़ा सा मामूली सा पुश करना है बस, बहुत ही नाजुक। आप देख सकते हैं हमारा ये प्रिंट होके आ गया है। तो दोस्तों
इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंटर के आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी थी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे आसानी से कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की। और आप चाहते हैं कि मैं वो किसी उस पर अच्छी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर बताइए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।